व्यूवर्स, बिस्मिल्लाह किचन में आपको वेलकम करती हूँ। और आज हम लोग बहुत ही ताकत का ख़जाना काले छोले बनाने के लिए जा रहे हैं, और बहुत ही इजी तरीके से और बहुत ही कम अज़ा से बन जाएंगे और बेइंतहा मज़ेदार बनेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको सबसे पहले अपने अज़ा बता दूँ इसमें क्या क्या अज़ा शामिल होंगे। सबसे पहले मैंने 3 पाव लिए हैं काले छोले। इसको मैंने रात को मीठे पानी में 1 चम्मच सोडे के साथ भिगो दिया था, और सुबह उसी पानी में मैंने इसको बॉयल कर लिया था। उसके बाद मैंने इसको ड्रेन आउट कर लिया था। साथ साथ हम उसमें डालेंगे 1 कप तेल। उसके साथ साथ हम उसमें डालेंगे थोड़ी सी मैंने काली मिर्चें ली थी, साबुत लाल मिर्चें ली थी 8 से 10, और 2 टेबल स्पून मैंने ज़ीरा लिया था। इन सबको मैंने पीस लिया है, पहले इनको रोस्ट किया है, और रोस्ट करने के बाद हमने इसको दरदरा सा पीस लिया है। और साथ ही उसको इसमें 1 कप जाएगी तली हुई प्याज। गार्निश के लिए हम इसमें डालेंगे हरा धनिया, और ये आलू हैं इनको मैंने बिल्कुल चंक्स में काट के बॉयल कर दिया था, और टमाटर को भी मैंने छोटे छोटे चंक्स में काट लिया है, और साथ ही अनियन को भी मैंने चॉपराइज कर लिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले अपनी इस यॉक में हम डालेंगे तेल। ये ऑयल हमने इसके अंदर डाल दिया है, और ऑयल जैसे ही हमारा गर्म हो जाएगा हम इसके अंदर मसाला जार डाल देंगे। मसाला जार में हमारे पास मैंने आपको बताया था कि इसमें 8 से 10 साबुत लाल मिर्चें हैं, 2 टेबलस्पून इसमें ज़ीरा है, और 8 से 10 काली मिर्चें, उनको हम सबको पीस लिया है। और हम इस ऑयल में इसको शामिल कर देंगे इस तरह से। जैसे हमारा मसाला थोड़ा सा फ्राई हो जाएगा, तो हम इसके साथ इसमें ऐड कर देंगे हमारे जो काले छोले हैं। इन 2 काले छोले जो बने लिए थे मैंने मसाले के अंदर को डाल दिया है, और हम इसको थोड़ा सा फ्राई कर रहे हैं। फ्लेम थोड़ा सा हाई रखेंगे क्योंकि हमारे छोले बिल्कुल टेंडर हैं, गले हुए हैं, और हमें इसको मसाले के साथ थोड़ा सा पकाना है। आप इसे रमज़ान में भी बना सकते हैं, और हाई टी वगैरह में बना सकते हैं, बर्थडे पार्टी में भी इनको बना सकते हैं। तो ये आम जो घर में तकरीबात होती है तो उसमें ही काले छोले, सफ़ेद छोले बैगन के साथ बनाए जाएँ तो बहुत ही अच्छा रहता है। लाजमी आप जरूर ट्राई कीजिएगा। बहुत जल्द बनने वाली रेसिपी। इसके साथ ही इसमें डाल देंगे तली हुई प्याज। फ्राई कर लेंगे जिस तरह से मैं कर रही हूँ, ताकि ऑयल के साथ हमारे तमाम छोले अच्छे तरह से मिक्स हो जाए, मसाले के साथ भी एक जॉइन हो जाए। उसके साथ हम इसमें डाल देंगे नमक। जैसे हमारे पास है 1 टेबल स्पून, या थोड़ा सा कम भी कर सकते हैं एज पर यू टेस्ट। हम इसको बिल्कुल दम वाली आँच पर रख देंगे, ताकि इसमें थोड़ा सा भुनाई हो जाए, मिक्स हो जाए, टेस्ट भी आ जाए, और इसमें हमारा नमक भी शामिल हो जाए। और सब हम इसकी गार्निश के लिए जो मैंने चॉप की थी प्याज, वो सफ़ेद छोले पर मैं अपने काले छोले पर डाल रही हूँ। ये देखिए इस तरीके से बारीक, बिल्कुल बारीक बारीक। साथ ही हम इसमें थोड़ा सा डालेंगे अपने टोमेटोस को। इसके साथ ही मैं इसमें डालूंगी हमारे पास जो हमने बॉयल किए थे, सफ़ेद बॉयल किए थे आलू, वो भी डाल दिए जाएंगे इसके। और साथ ही मैं गार्निश के लिए हरा धनिया भी डाल दूंगी, साथ ही बंद करो। व्यूअर्स, मैंने आज आपके लिए तैयार किए थे काले छोले। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे फीडबैक देना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और मुझे लाइक भी कीजिएगा, और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ व्यूअर्स।